हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गार्लिक चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। अभी इसमें थोड़ा नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और आधा नींबू का रस डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। अभी इसमें चिकन पीसेस डालकर शैलो फ्राई कर लेंगे। हमें इसे दोनों तरफ से फ्राई करना है। अभी इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये मैंने इसी पैन में जिसमें मैंने चिकन शैलो फ्राई किया है थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा बटर भी डाल देंगे। बटर मेल्ट हो गया है। अभी इसमें 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन डाल देंगे और इसे थोड़ा चला लेंगे। अभी इसमें हरे प्याज का वाइट हिस्सा भी डाल देंगे और इसे भी 1-2 मिनट तक चला लेंगे। अभी इसमें नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स और 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसमें शैलो फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर धीमी आंच पर रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, ढक्कन निकाल देते हैं और इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। चिकन तैयार हो गया है। अभी इसमें हम आधा नींबू का रस और हरे प्याज का हरा भाग डाल देंगे और गैस फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए, गार्लिक चिकन तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।